तो हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि प्रोफेशनल बैनर किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो आप यूट्यूब चैनल अगर आपका है तो आप चाहते हैं कि आपका जो बैकग्राउंड में जो प्रोफेशनल जो बैनर लगता है, बैनर वो कैसा दिखना चाहिए, कैसा लगाते हैं, कैसे एडिट करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको कि प्रोफेशनल बैनर कैसे बनाते हैं। ठीक है, आपके यूट्यूब चैनल अगर है, आपका अगर यूट्यूब चैनल है तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, एंड तक मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूँगा। अब धीरे धीरे आप इस वीडियो को देखते रहिए तो आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप देखते रहिए। सबसे पहले आपको पिक्सेल लैब ओपन करना है। पिक्सेल लैब अपने फ़ोन से ही एडिट कर सकते हैं आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, फ़ोन से एडिट करके पिक्सेल लैब ओपन करने के बाद आपको देखिए राइट साइड में थ्री डॉट है, थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इमेज साइज सिलेक्ट करना है। आप यूट्यूब का चैनल बैनर बना रहे हैं इसीलिए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है आपको सिलेक्ट करना है यूट्यूब चैनल बैनर। ठीक है, यूट्यूब चैनल बैनर सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ओके ओके पर क्लिक करिए। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस वाले बटन के क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी सिलेक्ट करना है। तो आपको अपने गैलरी से जहाँ पे आपने डाउनलोड करके रखा, मैं सब ये लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप सिलेक्ट करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड लिंक मैं निकाल कर मैं पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये वाला आपको सिलेक्ट करना है सबसे पहले। तो ये वाला इमेज आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे बड़ा कर लेना है पूरा साइज में। ठीक है, जितना भी साइज है पूरा एकदम क्रॉप करके बड़ा कर लेना है पूरा। क्रॉप कर लेने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉप करने के बाद अब यहाँ से यहाँ पे बीच में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको बाद इसको लॉक कर देना है। इस इमेज को यहाँ हिल रहा है तो इसे लॉक कर देना है, यहाँ पे जाकर लॉक। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, रिलेटिव पोजीशन में जाकर इसको बीच में सिलेक्ट कर लेना है। ओके, डन। इसके बाद राइट साइड में देखिए आप शेप्स का ऑप्शन है, शेप्स में ऑप्शन में क्लिक करिए। उसके बाद इसे ये जो बीच में है उसी का साइज में आपको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद इसे पूरा लंबा टान, यहाँ तक लंबा खींच लीजिए। ठीक है, उसके बाद डन पर क्लिक करिए। उसको कॉपी करके ऊपर में भी ऐसे करके आप सिलेक्ट कर लीजिए, फिर से कॉपी करके एक नीचे में सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद पहले इसको लॉक कर लेते हैं। ठीक है, तीनों को लॉक कर लीजिए। लॉक करने के बाद आपको जाना है कलर वाले ऑप्शन पे। ठीक है, नीचे वाला रेड, येलो, वाइट, आप जो भी कलर कर सकते हैं, मैं ये ब्लैक कर लिया। फिर से प्लस वाले आइकन पर सिलेक्ट करना है, गैलरी पर जाना है। गैलरी में जाकर आपको ये वाला इमेज सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये वाला आप सिलेक्ट कर लीजिए। कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, क्रॉप करके कुछ ऐसा दिखेगा आपको, इसको हम थोड़ा बीच में लेके आते हैं। बीच में रहेगा तो अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे फिर से प्लस बटन पर क्लिक करना है। गैलरी से आपने जो डाउनलोड किया है उनमें से एक
सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे हम लॉक कर देते हैं। सबसे पहले इसको लॉक कर दीजिए। इसके बाद अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो अपना चैनल का नाम लिख सकते हैं, टेक्स्ट, जैसे कि आपका टेक्स्ट चैनल का नाम मैं लिख लेता हूँ। मेरा चैनल का नाम है टी फॉर टारगेट, ठीक है। और इसका कलर चेंज करेंगे, येलो कर सकते हैं। टेक्स्ट ऑप्शन में जाकर इसका कलर चेंज करते हैं, ग्रीन येलो, मैं येलो कर दिया, डन। उसके बाद इसको बोल्ड कर देंगे, डन। इसके बाद स्ट्रोक में जाएंगे, स्ट्रोक लगा देंगे, ठीक है। ये ऐसे कर सकते हैं, छोटा कम ज़्यादा, मैं ऐसे लगा दिया, ठीक है, ओके। उसके बाद प्लस पर क्लिक करना है आपको। प्लस पर क्लिक करने के बाद एक सर्कल ऐड करना है, तो वो जो सर्कल है, तो ये सर्कल जो है इसको छोटा कर लेना है, के बाद कलर वाले ऑप्शन पर जाना है। कोई भी कलर आप चूज करते हैं, रेड, वाइट, ऑरेंज, पिंक, ब्लू, आपका जो मन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये रेड कलर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद शैडो में जाएंगे, ठीक है। शैडो को ऐसे करके पूरा बीच में कर लेना है, डन। उसके बाद टी फॉर टारगेट, मेरा इस चैनल को थोड़ा रोटेट कर लेना है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेना। ऐसे करके हो गया टी फॉर टारगेट। अगर आप देना चाहते हैं, अगर आप इसमें अपना लिंक देना चाहते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी लिंक है, तो आप प्लस बटन पर क्लिक करिए, गैलरी से जहां डाउनलोड किए हैं वहां से आप सिलेक्ट कर लीजिए। आपका जो भी सोशल मीडिया लिंक है, ठीक है, जैसे कि मैं ये सिलेक्ट कर लिया, टेक्स्ट ऐड करूंगा प्लस बटन पर क्लिक करके, गेट फॉलो मी हेयर, ठीक है। इस पर मैं लिख दूंगा कलर कलर ऑप्शन पर क्लिक करके को मैं चेंज कर लूँगा ग्रेडियंट कलर, ये कलर हो गया, ये कलर हो गया, कुछ भी कलर आप दे सकते हैं।
ये कलर अच्छा है, मैं ये कलर सिलेक्ट कर लिया, डन। इसके बाद स्ट्रोक में जाएंगे, जिससे पहले बोल्ड कर लेते हैं, डन। इसके बाद स्ट्रोक कर लेते हैं, डन। स्पेसिंग थोड़ा कम कर लेते हैं, डन। और इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। टेक्स्ट में जाकर इसका बैकग्राउंड में थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, तो देखने में अच्छा लगेगा। यहाँ पे फॉलो मी हेयर करके इसका बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर लेते हैं, येलो। इसका कलर वाइट, रेड, ब्लैक में ऐसे दिखता है। देख लेते किस कलर में अच्छा लग रहा है। टेक्स्ट का कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद स्ट्रोक में जाकर बस, ठीक है। इसके बाद इसको यहाँ पे जाके लॉक कर देना है, ठीक है। लॉक कर देने के बाद अब फिर से प्लस पर क्लिक करना है। प्लस पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी आपको फिर से एक जो डाउनलोड किए उनमें से एक डाउनलोड किए हैं उसमें से एक सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये आ गया आपका, ठीक है। अब इसको एडजस्ट करेंगे, इसको छोटा कर लीजिए इसके साइज का। तो इसका कलर चेंज कैसे करेंगे, कलर में जाएंगे, एनेबल करेंगे, ये कुछ भी कलर कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसको रेड कर सकते हैं, येलो, वाइट, रेड, ब्लैक। ब्लैक दिखने में अच्छा लग रहा है तो मैं ब्लैक कर दिया, ठीक है। ऐसे करके एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे, ब्लैक हो गया है, ब्लैक करने के बाद डन। स्ट्रोक में जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा इस पर डन। डन पर क्लिक करने के बाद शैडो में जाएंगे, अब इसको ऐसे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा 3D लुक थोड़ा दे दिया उसको, ठीक है। ऐसे करके दे सकते हैं, अपने तरीके से जो अच्छा लगा आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ही अच्छा लग रहा था ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है, डन। उसके बाद इनर साइड में जाके कर सकते हैं आप एडजस्ट, डन। उसके बाद 3D शेप में जाके आप इसको 3D शेप भी कर सकते हैं, ठीक है।
रोटेशन भी करा सकता आपको मन से। मैं फ़िलहाल इसको रोटेशन नहीं रखूँगा, सीधा ही रखूँगा, ठीक है। इसके बाद इसको लॉक कर देंगे, ठीक है। सबको लॉक कर दिया। तो ये कैसा लगा मेरा बैनर आप देख सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही मैं बैनर अपना चैनल का बनाया हूँ, अब मैं इसे अपलोड करके दिखाता हूँ आपको। पहले सेव कर लीजिए इसे। एक्सपोर्ट इमेज, इसको मैं अल्ट्रा सेव टू गैलरी। तो ये मेरा सेव हो चुका है। अब तो मैं ये सेव हो चुका है मेरा ये, ठीक है। मेरा चैनल का नाम है टी फॉर टारगेट। एवर मैं अब मैं इसको अपना चैनल में लगा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखते रहिए। तो सबसे पहले आप अपना यूट्यूब चैनल खोलिए, यूट्यूब चैनल को ओपन करिए। तो सबसे पहले आप अपना यूट्यूब चैनल को लॉगिन करिए, ठीक है। अब जब अपना यूट्यूब चैनल लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। लॉगिन कर लेने के बाद आप देख पाएंगे आपका यूट्यूब चैनल में योर चैनल का ऑप्शन है। योर चैनल का ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। योर चैनल ऑप्शन में क्लिक करने के बाद देखिए बगल में एडिट का ऑप्शन है, पेंसिल बटन एडिट, एडिट पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप देखिए राइट साइड में आपका एक ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है। वो चैनल बैनर का ऑप्शन है, कैमरा जो ऑप्शन है कैमरा दिख रहा है, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद चूज़ फ्रॉम योर फोटोज़ पर क्लिक करिए। जो भी आपने बनाया है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ।